5 मई को एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है द केरला स्टोरी। इस पर जनता का कहना है कि ये फिल्म इन्हें कश्मीर फाइल्स वाला वाइब दे रही है। कहानी केरला के उन 32,000 हिंदू औरतों के बारे में जो लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का शिकार बन गई। कहानी उन 32,000 मासूम औरतों के बारे में जिनका जबरदस्ती इस्लाम धर्म में परिवर्तन कर उन्हें ISIS ज्वाइन करने के लिए अफगानिस्तान भेज दिया। इसका ट्रेलर देखकर सब ये खोजने में लगे हैं कि क्या ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है भी या नहीं। क्या वाकई में इतनी सारी हिंदू लड़कियां लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का शिकार बन गई? क्या वाकई में इन मासूम हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को धोखे से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करके ISIS में भर्ती होने के लिए अफगानिस्तान, सीरिया या इराक जैसे देशों में भेजा गया? लेकिन इस फिल्म में दर्शाई इस कहानी में कितनी सच्चाई है और ये कितनी अफवाह है, ये विश्लेषण हमारी इस सच्चाई को जानने की एक कोशिश है। हमारे सारे सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं बजिंग वॉइस। केरला के सीएम पिनराई विजयन का ये कहना है कि ये फिल्म संघ परिवार यानी RSS का प्रोपेगेंडा है। धर्मनिरपेक्षता की भूमि केरला को धार्मिक आतंकवाद का ऊपरी केंद्र बनाना उनका लक्ष्य है और ये फिल्म कम्युनल हार्मनी को नष्ट करने की पूरी कोशिश है। केरला स्टोरी फिल्म ये दावा करती है कि केरला की हजारों हिंदू और ईसाई धर्मों की लड़कियों को ISIS में जबरदस्ती भेजा गया, चाहे वो उन्हें प्यार में फंसा कर हो, नौकरी का वादा हो, धोखे से प्रेग्नेंट करना हो या उन्हें ब्रेन वॉश करना हो या उनके साथ अलग अलग कुषड्यंत्र रचना हो, लेकिन इनका मकसद था इनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना। जांच में ऐसा दावा किया जाता है कि 2009 से लेकर अब तक 32,000 महिलाओं का धार्मिक परिवर्तन हो चुका है और इनमें से अधिकांश महिलाएं अफगानिस्तान, सीरिया या इराक जैसे देशों में आतंकवाद में शामिल हो गई है। इनका या तो यौन शोषण किया जा रहा है या तो इनको आतंकवाद में आगे बढ़ाया जा रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा 2010 में जारी की गई चार्जशीट स्पेशल सब इंस्पेक्टर विल्सन की हत्या के बाद पुष्टि करती है कि केरला राज्य में ISIS की गतिविधियां हैं। ठोस सबूत मिलने के बाद NIA इस धर्म परिवर्तन पर भी जांच कर रही है। 2010 में केरला के पूर्व CM अच्युतानंदन ने ये बयान दिया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो कि एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहता है कि केरला एक मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य बन जाए और PFI और ऐसी कई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन केरला में धर्म परिवर्तन के पीछे भी बताई जाती है। इतना ही नहीं, 2009 में जब से इन सब की शुरुआत मानी जाती है तब केरला के हाई कोर्ट के जस्टिस KT शंकरन ने एक एंटीसिपेटरी बेल दो लोगों के अगेंस्ट खारिज कर दी थी। इन दो लोगों पे लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का इल्जाम। जस्टिस शंकरन ने ये निर्णय लिया था कि केरला राज्य में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और उन्होंने राज्य सरकार से ये कहा कि वो धर्म परिवर्तन को लेकर कोई कानून भी बनाए। 2016 में इस धर्म परिवर्तन के एजेंडे पर सबकी नजरें वापस से पड़ जाती है जब मिनी विजयन नाम की एक मिलिट्री ऑफिसर को ये शक होता है कि उनकी बेटी अपर्णा का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ है। लेकिन अपर्णा सुमाया नाम से कोर्ट में पेश होती है, सुमाया उनका इस्लामिक नाम होता है, और वो कोर्ट में पेश होकर कहती है कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है और वो अपनी माँ के साथ वापस नहीं जाना चाहती है। अपने कॉलेज के डॉर्मेटरी से गायब होने से पहले ये पता चलता है कि अपर्णा मल्लापुरम में आशिक नाम के एक ऑटो ड्राइवर से शादी कर लेती है। जांच में NIA को अपर्णा के जैसे कुछ और लड़कियों का पता चलता है जो कि मल्लापुरम के मरकुजाल हिदया या सत्य सारणी ट्रस्ट से जुड़ी हुई रहती है। यहाँ तक कि जाकिर नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को इस ब्रेन वॉशिंग का सबसे मुख्य सोर्स भी माना जाता है। कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट से ये प्ली कर रही है कि वो इस फिल्म को स्क्रीन होने ना दे क्योंकि ये फिल्म हेट स्पीच प्रमोट करती है और कम्युनल हार्मनी में इसका बहुत बुरा असर होगा। और तो और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक प्ली फाइल की है कि वो इस फिल्म को देश भर में स्क्रीन होने से रोके क्योंकि ये फिल्म वर्स्ट काइंड ऑफ हेट स्पीच प्रमोट करती है।
मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को खारिज कर दिया ये कहते हुए कि ये फिल्म बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड है। तो अगर फिल्म को चैलेंज करना है तो बोर्ड के डिसीजन को चैलेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये फिल्म में 32,000 की संख्या आई कहां से? फिल्म के राइटर और डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के अनुसार ओमान चंडी जो कि केरला के एक्स सीएम थे 2010 में, उन्होंने केरला के जनरल असेंबली में ये कहा था कि हर साल 2800 से 3200 लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो जाता है। तो अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो 10 साल के अंदर ये 32,000 हो सकता है। हालांकि ओमान चंडी इन सारे तथ्यों को नकारते हैं। और अगर तमाम सबूतों को देखा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि लेफ्ट विंग चाहती है कि ये फिल्म स्क्रीन ना हो, और ना ही उनके पास ऐसा कोई ठोस सबूत है ये साबित करने के लिए कि इतनी सारी औरतों का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं हुआ है और ये फिल्म पूरी तरह से बेसलेस या फेक है। लेकिन काफी सबूत है ये साबित करने के लिए कि PFI द्वारा या केरला में धर्म परिवर्तन हुआ है। और तो और 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भारत सरकार ने बैन कर दिया ये कहकर कि ये पार्टी आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा दे रही थी। यहाँ तक कि आज से ठीक 14 साल पहले 2009 में केरला हाई कोर्ट ने लव जिहाद को शहनशाह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में मान्यता भी दी थी। और अफगानिस्तान जेल में जो 4 महिलाएं हैं वो एक बहुत बड़ा सबूत है कि धर्म परिवर्तन जबरदस्ती किया गया था। लेकिन ये संख्या 32,000 है, इनका ISIS से रिश्ता कैसे है और ये महिलाएं इराक और सीरिया कैसे पहुंची, इन पर आज भी जांच हो रही है। आपके इस फिल्म पर क्या राय है? क्या सच में हिंदू मेजॉरिटी देश में हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं है, या फिर ये फिल्म एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है देश में कम्युनल हार्मनी को खराब करने का? इस फिल्म और इस केस में अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताइए।